आज भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मोर्चा की तरफ से डाबोंगला सुरनकोट में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे जो हमारे 7 मोर्चे हैं उनके डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोग्राम इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हो रहे हैं और तहसील सुरनकोट में भी कल हमारा महिला मोर्चा का प्रोग्राम हुआ, ST मोर्चा का हुआ और आज बुनियादी मोर्चा का हो रहा है। ये प्रोग्राम करने का हमारा ये मकसद है कि हम जमीनी सतह पर अपने वर्कर को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन जो हमारा असेंबली इलेक्शन आ रहा है उसके लिए जो है हमने तैयारी शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो काम फील्ड में करती है। हम अपने वर्कर्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने अपने इलाका में जाके जो है वो काम करें और मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं उसकी लोगों को जो है वो जानकारी दी जाए ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुरनकोट से अपना एमएलए जिता के जो है वो असेंबली में भेजे। देखिए आज सुरनकोट में एक माइनॉरिटी मोर्चा का जो है वो सम्मेलन रखा गया है जिसमें हमारे बहुत से सारे लोग जो हैं खनेतर से लेकर पांचसरा तक और जितने भी हमारे इलाके पड़ते हैं धुंधक लसाना लठों गुंथल और भी जितने हमारे गांव हैं बड़ी तादाद में लोग जहां आए हैं। हम इस बार में चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी कि हमें लोगों ने दरकिनार किया और हमारी सीट यहां से MP की ना निकल सकी, मगर अब जो है वो असेंबली के वोट आ गए हैं तो सभी लोग यहाँ पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं जनाब राजेश रैना जी, उनके साथ माइनॉरिटी के जो हमारे सीनियर प्रभारी हैं जनाब गुरदीप सिंह खालसा साहब और भी बाकी जो सेंटर की टीम है हमारी पुंछ की वो यहाँ आई हुई है और हम लोग आपको जैसे जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंगें जो हैं वो शुरू हो गई हैं और किसी भी टाइम जो है वो इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। BJP पूरी तरीके से तैयार है और इस बार जो है हमने कोशिश करनी है कि यहाँ से हमारा MLA मित्र जाए और लोगों के सारे काम जो उनके पड़े हैं वो पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया।